हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय एवी। आज हम देखेंगे स्टैंडिंग हार्ट केक कैसे बनाते हैं और इसका जो स्टैंड है वो भी इजीली आप बना सकते हो। इसके बारे में जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए पहले हमें 6 इंच के टिन में हार्ट शेप का स्पॉन्ज बनाना होगा। स्पॉन्ज आप चाहे तो चॉकलेट या फिर वनीला बना सकते हो, और इसे जैसे वीडियो में मैंने बताया है वैसे हमें कट करना है हॉरिजेंटली। 3 पार्ट में स्पॉन्ज को कट कर लेंगे और यहाँ पे इसे असेंबल करना है। जो हमने यहाँ पे स्टैंड बनाया है वो है 9 बाय 9 इंच का। रॉड जो है वो 7 इंच का है। 6 mm का होल इन बिटवीन सेंटर में करना है और 4 वॉशर एंड 4 नट्स यहाँ पे आपको इस्तेमाल करने हैं। इनफैक्ट मुझे 2 वॉशर एंड 2 नट्स ही इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा मैंने 2 रखे हैं। तो इसे हमें प्रॉपरली टाइट करना है और हमें फूड शेप करना है इसे क्लिंग रैप से। यहाँ पे मैंने 4 रबर के स्टैंड भी लगाए हुए हैं। पूरा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे फूड शेप करना ज़रूरी है और फिर एक पार्ट को वीडियो में आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसे मैंने इसके अंदर असेंबल कर लिया है, डाल दिया है। केयरफुली डालना है और जो भी आपको फ्लेवर इसमें ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बटरस्कॉच फ्लेवर से इसे बनाया है। थोड़ा सा क्रीम को हम अप्लाई कर लेंगे, सेकेंड पार्ट को रख देंगे हार्ट शेप जैसे हमें यहाँ पे बनाना है, बट केयरफुली इसे आपको असेंबल करना होगा। एकदम हल्के हाथों से यहाँ पे क्रीम को अप्लाई करना है। आप चाहे तो पाइपिंग बैग की मदद से ये काम कर सकते हो। हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे काम करना होगा। आप चाहे तो एक हाथ से यहाँ पे स्पॉन्ज को पकड़ के काम कीजिएगा, वरना ये स्पॉन्ज जो है वो टूट सकता है। सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और पूरी तरीके से हार्ट शेप दे देंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट, इनफैक्ट हार्ट शेप का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे भी हमने रख दिया है। अब हल्के हाथों से केयरफुली यहाँ पे हमें क्रीम को अप्लाई करना है। यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रैपर का मदद से क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। पहले पाइपिंग बैग से थोड़ा सा क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे और फिर या तो स्पैचुला की मदद से या फिर जो प्लास्टिक के स्क्रैपर आते हैं उसकी मदद से आप यहाँ पर क्रीम को स्प्रेड कीजिएगा। वो आसानी से हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है केक। तो यहाँ पे आइसिंग का काम थोड़ा सा ट्रिकी है और हल्के हाथों से करना पड़ता है। मैंने जो विप क्रीम बनाई थी उसमें थोड़ा सा रेड जेल कलर ऐड किया था, लाइटली ऐड किया था, और यहाँ पे ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के स्क्रैपर की मदद से आइसिंग की है, इससे काम थोड़ा आसान हो गया था। यहाँ पर जो हार्ट शेप है पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इसे हमें आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। आफ्टर हाफ एन आवर आपको इसे फ्रिज से बाहर निकालना है और इस पर आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है वो आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे रेड कलर का विप क्रीम लिया है और इससे मैंने रोजेट बना ली है। आप चाहे वैसे डिज़ाइन इसमें बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है केक। इसे आपको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखना होगा। जो भी मैसेज लिखना है वो लिख दीजिएगा। एंड स्टैंडिंग हार्ट केक बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको ये केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर